को। बच्चों की पढ़ाई के बारे में सोचते हैं, महिला के भविष्य के बारे में विचार करते हैं। ये ऐसे करने वाले व्यक्ति हैं कि जो मुखिया न रह करके जो किया उससे अधिक ही न रह करके किए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं केवल सच। मैं मौजूद हूँ टिकारी प्रखंड के रवई गांव में और यहाँ से मुखिया प्रत्याशी हैं सरस्वती जी। देखिए प्रचंड गर्मी है, उसमें प्रत्याशी चूंकि समय कम रह गया चुनाव में, इसलिए प्रत्याशी खुद धूप में बारिश में घूम घूम करके जो अपने समर्थक हैं उनके साथ जनता से मनुहार कर रहे हैं, जनता से आग्रह कर रहे हैं कि हमको जिताइए। और चूंकि ये इनका जनसेवा का पुराना इतिहास रहा है, अच्छा महिलाओं के लिए अच्छा काम करते रहे हैं। इनके पति अशोक आजाद जी हैं, वो अपने गरीब गुरबों के लिए अच्छा काम करते हैं। तो सरस्वती जी बताइए आपको कैसा समर्थन मिल रहा है? जनता लोग से पूछिए। जनता से पूछिए, आप इनके समर्थक हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? मीरा देवी। मीरा देवी, तो इनको कहाँ समर्थन कर रहे हैं आप? अभी तो और कसके बोलिए ना, हाँ बढ़िया है। अगर ये बनेंगे तो मतलब जो आपका लेता ना देता देंगे। हाँ। आप यही सोचते हैं ना? क्या नाम है आपका? बिलमंती देवी। बिलमंती देवी, आप क्या सोचते हैं इनके बारे में? बढ़िया अथी करते हैं सर, आपको गरीब को देखभाल सब अच्छा से करते हैं, इसी चलते आगे के विकास करेंगे, इसी चलते इनको सपोर्ट दे रहे हैं हम लोग। अच्छा अच्छा, इधर आइए, इधर आप इधर आइए, आइए, कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका? सूर्यमणि देवी। महादलित समाज से हैं आप? किस रविदास महादलित से आते हैं। तो देखिए इतना महिलाओं में इतना जागरूकता आ गया है, आप वर्क कर रही हैं, वोट मांग रही हैं इनके लिए, समर्थन कर रहे हैं इनको? हाँ, वोट मांग रही हैं। तो क्या सोच के समर्थन कर रहे हैं इनको? सीधा उसे अच्छे इंसान। हाँ, अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। इधर आइए भाई, इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? रंजय सिंह। तो ये अशोक आजाद जी हैं, अच्छे समाज सेवी, उनकी पत्नी है, खड़ी है मुखिया में। तो आप लोग जो समर्थन दे रहे हैं उसका क्या कारण है? इसका कारण है कि ये गरीबों का मसीहा है, बहुत बड़ा समाज सेवी है, बच्चों की पढ़ाई के बारे में सोचते हैं, महिला के भविष्य के बारे में विचार करते हैं। ये ऐसे करने वाले व्यक्ति हैं कि जो मुखिया न रह करके जो किया उससे अधिक ही न रह करके किए यहाँ पे जी। तो मतलब कर्मठी हैं आप लोग को लगता है? चाचा आप लोग इनको समर्थन कर रहे हैं सरस्वती जी को? तो आखिर बुजुर्ग आदमी हैं आप, बताइए कहाँ समर्थन कर रहे हैं इनका? बहुत समर्थन कर रहे हैं, बहुत सहयोग महादलित को, बहुत पगड़ी पहना दीजिएगा इनको। जहाँ हर सुख दुख में ये हमारे सामने रहते हैं, साथ रहते हैं, रात हो दिन हो। अभी हाल फिलहाल में अकबरपुर में एक बच्चा का एक्सीडेंट हो गया था, इन्हों रात दिन को न समझ करके करीब करीब 3 बजे भोर में और अपने बाइक से वहाँ पहुँच करके और अपना उसका वो सहयोग की मतलब जा करके दुख में साथ में। देखिए इनके समर्थक हैं ये, मामा आप इधर ही आ गया, ये आप इनको मुखिया बना रहे हैं तो क्या क्या लगता है कि अच्छा काम करेंगे आपके लिए? हाँ, अच्छा काम कर रहे थे, बढ़िया से काम समर्थन कर रहे हैं, क्या है कि सबके गरीबी लोगों के ताकेगा, एक नज़र देखेगा करते। अच्छा अच्छा, अब ऐसे भी अच्छे नेक आदमी हैं। तो मतलब आप लोग हाथ उठा के कहिएगा ना कि हाँ सब महिलाओं का। देखे ये महिलाओं का, तो इस बार इनको आप लोग पगड़ी पहना दीजिएगा, नेता बना दीजिएगा इस पंचायत का। देखिए ये महिलाएं हैं और गीत गा करके ये समर्थन मांग रही सरस्वती जी की देवी के लिए। इनका कहना है कि जितना ये सेवा, जितना यहाँ के पंचायत का, यहाँ के ग्राम वासियों का जितना सेवा ये मुखिया बन के, जब मुखिया नहीं है तब कर रहे हैं, तो अगर ये मुखिया बनते हैं तो जो भी छूटा हुआ काम है गरीबों का, जो आवास योजना में मकान नहीं बन पाया है, उनके घर में नली नहीं बन पाया है, गली नहीं बन पाया है, तो उसमें ये समर्थन करेंगे। और इनका कहना है कि पिक्कू बाबू हमारे दिल में है,
तो देखिए जो सामाजिक आदमी होते हैं और जो गरीब का सेवा करते हैं, जनता का कैसे प्यार उनको मिलता है, ये देखने से हमको मिल रहा है। तो मतलब आप लोग इस बार इनको समर्थन दे रही हैं? हाँ, तो आपको लगता है कि इस बार जनता आपको समर्थन दे देगी? हाँ, तो देखिए ये इनका विश्वास है सरस्वती देवी को कि इस बार जनता जो है सो उनको समर्थन करेगी और डिहुरा पंचायत से मुखिया बनाएगी। कैमरामैन संजय के साथ हैं बाबा शिवाजी केबल सच न्यूज के लिए।